तो दोस्तों, इंडियन सिनेमा के आइकॉनिक स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस को आज बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन पूरा हो चुका है और फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों के अंदर पूरी दुनिया में धमाकेदार कमाई कर ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा द राइस के शुरुआती तीन दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने तीन दिनों के अंदर कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। पुष्पराज तो दोस्तों, सुबह के वीडियो में हमने बात की थी पुष्पा फिल्म के सिर्फ हिंदी कलेक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि पुष्पा ने पहले दिन हिंदी वर्जन में 3,25,00,000 रुपए कमाए थे और दूसरे दिन हिंदी वर्जन का कलेक्शन लगभग 4 करोड़ का आया था। यानी कि दो दिनों में पुष्पा द राइस ने हिंदी वर्जन में 7.25 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन पुष्पा द राइस का जो हिंदी वर्जन का कलेक्शन है वो लगभग 6 करोड़ के रेंज में आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, पुष्पा का शुरुआती तीन दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन लगभग 13-13.5 करोड़ रुपए हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पांचों भाषाओं के टोटल कलेक्शन की, तो पहले दिन तो इस फिल्म ने 71 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था। और बात की जाए दूसरे दिन की, तो दोस्तों दूसरे दिन पुष्पा द राइस ने कर्नाटका से कमाए थे 4.40 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कमाए 20.70 करोड़ रुपए, केरला से 2.80 करोड़ रुपए, तमिलनाडु से 3.30 करोड़ रुपए, वही नॉर्थ इंडिया से तेलुगु और हिंदी वर्जन दोनों में 5.20 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ पुष्पा द राइस का दूसरे दिन का इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हुआ था 36.40 करोड़ रुपए और ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन आया था 8.60 करोड़ रुपए। इसी के साथ पुष्पा द राइस का जो दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो रहा 45 करोड़ का। तो पहले दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 71 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 45 करोड़ रुपए, यानी कि दो दिनों में पुष्पा द राइस का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका था 116 करोड़ का। लेकिन अब अगर बात की जाए तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा द राइस को तीसरे दिन तमिल वर्जन में एक हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला है। हिंदी वर्जन में तो फिल्म के जो कलेक्शन है ना तीसरे दिन, वो पहले और दूसरे दिन से भी ज्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म तेलुगु वर्जन में भी पहले दिन जैसा ही कलेक्शन कर रही है। ओवरसीज मार्केट में भी ये फिल्म तीसरे दिन लगभग 6-7 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन करते नजर आ रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल घुमा फिरा कर देखे जाए कि जिस तरह फिल्म को तीसरे दिन ऑल इंडिया ऑक्यूपेंसी मिली थी, उस हिसाब से पुष्पा द राइस अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 40 करोड़ के रेंज में कर रही है, वही ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन लगभग 6-7 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों, पुष्पा द राइस अपने तीसरे दिन भी वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर रही है लगभग 45 करोड़ की रेंज में। इसी के साथ दोस्तों, पुष्पा द राइस का शुरुआती तीन दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 160 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइस सिर्फ तीन दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड मार्केट में 160 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो दोस्तों, फिल्म का जो पहला वीकेंड है वो तो सभी भाषाओं का शानदार रहा। अब देखना है कि फिल्म आने वाले समय में और कितनी कमाई कर पाती है। हालांकि फिल्म ने अगर तीन दिनों में ही 160 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो अब मिनिमम 350 या 400 करोड़ रुपए का हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है पुष्पा द राइस का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।